हाय एवरीवन, अमित भारद्वाज हेयर फ्रॉम एक्सपर्ट इमिग्रेशन। दोस्तों, अगर आप ओवरसीज़ में एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको जर्मनी ज़रूर कंसीडर करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूनिक पॉइंट्स बताऊंगा जर्मनी के बारे में, जो जर्मनी को दूसरी कंट्री से काफ़ी बेटर बनाता है। नंबर वन पॉइंट, जर्मनी की जो एजुकेशन है वो इंडिया से 80 ईयर्स अहेड है, 80 ईयर्स एडवांस्ड है। जर्मनी यूरोप की स्ट्रॉन्गेस्ट इकॉनमी है और पूरे वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। जर्मनी फेमस है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए, टॉप ऑटोमोबाइल कंपनीज़ के लिए, फॉर एग्जांपल बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी, ये सब जर्मन बेस्ड कंपनीज़ हैं। जर्मनी की जो एजुकेशन है वो एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ बहुत अफोर्डेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया की जो एक साल की फ़ीस है बैचलर या मास्टर डिग्री की, वो अराउंड रहती है 14 to 15 लाख रुपीज़। वेर एज जर्मनी की जो एजुकेशन फ़ीस है एक साल की, वो 5.5 to 7.5 लाख रुपये के बीच में है। जर्मनी में आपको पेड एंड अनपेड इंटर्नशिप्स के ऑप्शंस हैं। ड्यूरिंग स्टडीज़ आप 4 to 6 महीने किसी कंपनी में, जर्मन बेस्ड कंपनी में काम कर सकते हो। प्लस जर्मन की कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ हमारा डायरेक्ट एग्रीमेंट है। आप एक सेमिस्टर वाइल स्टडिंग इन जर्मनी, एक सेमिस्टर यूएसए, फ्रांस या यूके में जाके स्टडी कर सकते हो। आप देख सकते हो इन पिक्चर्स में, ये बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यूएसए गए हैं सिलिकॉन वैली में, एप्पल के ऑफिस में, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो न्यूयॉर्क, नॉर्थ केप, ठीक है। ड्यूरिंग स्टडीज़ इन लोगों को एक्सकर्शन मिला है, एक सेमिस्टर अब्रॉड का इनके लिए ऑप्शन है। इस तरह की जो है ऑप्शंस ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड एंड कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में जनरली नहीं रहता है। जर्मनी की जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं, एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी काफ़ी इजी है। आइल्स में फॉर बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स यू नीड टू हैव मिनिमम 5.5 बैंड ओवरऑल एंड 4.5 ईच मॉड्यूल टू गेट एडमिशन इन बैचलर डिग्री प्रोग्राम। अगर आपने आइल्स नहीं किया है और आपकी पास एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से है तो भी आप जर्मनी में विदाउट आइल्स स्टडी कर सकते हो। मास्टर्स के लिए 6 बैंड ओवरऑल एंड 5.5 ईच की रिक्वायरमेंट है। जर्मनी में 5 साल तक का गैप एक्सेप्टेबल है। अगर आपने पिछले 5 साल किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की है, फैमिली बिजनेस में हेल्प किया है, कुछ भी किया है, तो 5 साल तक का गैप कोई इशू नहीं है, आप स्टिल जर्मनी में जाके स्टडी कर सकते हो, ठीक है। जर्मनी में अगर आप ग्लोबल एमबीए का प्रोग्राम करते हो जिसकी फ़ीस सिर्फ 7.5 लाख रुपए है 18 महीने की, 18 महीने की ग्लोबल एमबीए का प्रोग्राम आप सिर्फ 7.5 लाख रुपए में कर सकते हो आफ्टर स्कॉलरशिप। 18 महीने का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है, बैचलर या मास्टर डिग्री करने के बाद 18 महीने का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ले सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा ले सकते हो, वहाँ की पीआर की रिक्वायरमेंट मीट करके पीआर अप्लाई कर सकते हो। जर्मनी में अगर आप 8 साल लीगली स्टे करते हो, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा सब मिलाकर, तो आप स्टेट अवे सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो। जर्मनी में कोई शो मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, देर इज़ नो शो मनी, कोई फंड्स आपको शो नहीं करने होते वीज़ा के लिए। नो मेडिकल रिक्वायर्ड, नो पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड। एम्बेसी फ़ीस भी काफ़ी लो है, अराउंड 6,100 रुपीज़ के आसपास इसकी एम्बेसी फ़ीस है। जो वीज़ा प्रोसेस है उसमें 2,000 to 3,000 यूरो आपको एडवांस में फ़ीस पे करनी होती है, रिमेनिंग फ़ीस वीज़ा के बाद पे करनी होती है। जर्मनी में 3 इनटेक्स रहते हैं, जनवरी इनटेक, मई इनटेक एंड सितंबर और अक्टूबर इनटेक। नेक्स्ट अवेलेबल इनटेक है सितंबर और अक्टूबर। दोस्तों, अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो नेक्स्ट इनटेक के लिए तो बड़ा सही समय है। अगर आप चाहते हैं अपने प्रोफाइल की असेसमेंट, आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, फिल द इंफॉर्मेशन, हमारी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी और आपको सारा वीज़ा प्रोसेस बताएगी, आपके लिए क्या सूटेबल कोर्स है वो बताएगी। हमारी कंपनी का जो है जर्मनी की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के साथ डायरेक्ट एग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं जो जर्मनी की टॉप 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आती है। इसके साथ साथ 15 to 20% आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, ठीक है। हमारी कंपनी का 100% वीज़ा सक्सेस रेट है। हमने जितनी भी एप्लीकेशन स्टूडेंट वीज़ा की डाली हैं जर्मनी की, अभी तक इस साल 2019 में सारी की सारी एप्लीकेशंस अप्रूव हुई हैं। सो दोस्तों, जर्मनी बहुत अच्छा एक यूनिक डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन एजुकेशन। सो गाइस, इफ़ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ गिव अस ए कॉल। थैंक यू।